मौजूदा वक्त में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल रहे राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को हुआ था। राहुल गांधी ने पहले दून स्कूल में पढ़ाई की और फिर इसके बाद दिल्ली के मशहूर सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ी। इसके बाद वो अमेरिका चले गए और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। सुरक्षा कारणों से उन्होंने हार्वर्ड के स्थान पर फ्लोरिडा के एक कॉलेज में दाखिला लिया। वहां से उन्होंने 1994 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में डिग्री ली। इसके बाद राहुल ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के मशहूर ट्रिनिटी कॉलेज से 1995 में डेवलपमेंट स्टडीज में एमफिल किया और लंदन में नौकरी करने लगे। साल 2002 में राहुल वापस भारत लौट आए। उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर मुंबई में बेकॉप सर्विसेज लिमिटेड नाम से कंपनी शुरू की। इसके बाद उन्होंने 2004 में सक्रिय राजनीति में आने की घोषणा की। राहुल गांधी का सियासी सफर। 2004 में अमेठी से पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और सांसद चुने गए। 2007 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में नियुक्त हुए। NSUI और भारतीय युवा कांग्रेस का कार्य प्रभार भी संभाला। 2009 में फिर अमेठी से सांसद चुने गए। 2013 में कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने। 2014 में भी राहुल ने अमेठी की सीट को बरकरार रखा। 2017 में उन्हें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सौंपा गया। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सबसे लंबे वक्त तक काबिज रही सोनिया गांधी से जब राहुल गांधी ने पार्टी की कमान अपने हाथों में ली, उस वक्त महज 4 राज्यों कर्नाटक, पंजाब, मिजोरम और पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार थी और राहुल के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी गुजरात विधानसभा चुनाव की। गुजरात में कांग्रेस में लंबे समय बाद मजबूती दिखी, लेकिन सत्ता हासिल करने लायक सीटें उन्हें नहीं मिल पाई। फिर मई 2018 में हुए कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की सीटें तो कम हुई, लेकिन कांग्रेस ने JDS से मिलकर राज्य में सरकार बना ली। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को पहली बड़ी सफलता 2018 के अंतिम महीने में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में देखने को मिली, जिनमें से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में BJP शासित राज्यों में जीत हासिल कर सरकार बनाई। लेकिन पार्टी तेलंगाना चुनाव नहीं जीत सकी और पार्टी 3 राज्यों की जीत से उत्साहित एक बार फिर राहुल के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनाव के परिणाम राहुल के नेतृत्व की बड़ी परीक्षा है। DB Live की रिपोर्ट।